इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टेलीफोन नेटवर्क के बारे में और इस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो टेलीफोन लाइंस के बारे में है तो जो टेलीफोन नेटवर्क होता है इसको हम पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं ये एक ऐसा टेलीफोन नेटवर्क होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट किया गया है मीन्स के पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पी एस टी एन स्टैंड फॉर पब्लिक स्विस्ट टेलीफोन नेटवर्क अब पी एस टी एन जो है ना ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक टेलीफोन नेटवर्क है अब जाहिर सी बात है ये टेलीफोन नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो इस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल्स या कम्युनिकेशन मीडियम तो यूज़ होता होगा वो डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम्स या चैनल्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स स्विचिंग सेंटर्स सेलोलर नेटवर्कसटेलाइट्स एंड केबल सिस्टम्स सो so, इस वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है वो टेलीफोन नेटवर्क्स में टेलीफोन लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे सो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है आपको ये कम से कम नॉलेज होना चाहिए पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क एक वर्ल्ड वाइड टेलीफोन नेटवर्क है मीन्स के पूरी दुनिया में जो भी टेलीफोन नेटवर्क है उसको हम पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं मीन्स के शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पी लिख सकते हैं जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है ये सर्वकर्ट स्विचिंग पर रिलाई करता है हमारे पास सर्कल स्विचिंग मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग आमतौर पर हम ये पढ़ते हैं तो जो पी एस टी हैं वो सर्कल स्विचिंग पर बेस करता है अगर बात करें पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की तो इसको हम प्लेन और टेलीफोन सर्विस भी कहते हैं अब हम बात करेंगे टेलीफोन लाइंस कौन सी यूज़ होती हैं पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क में तो दो तरह की टेलीफोन नेटवर्क में लाइन यूज़ होती हैं मेन uh, दो तरह की लाइंस होती हैं एक होती है डायलाप लाइंस और दूसरी होती हैं डेडिकेट लाइन्स डायलाप लाइंस पहले इस्तेमाल होती थी आजकल इसका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर हो चुका तो है तो डेडिकेट लाइंस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं सबसे पहले डायलाप लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं ये जो डायलाप लाइंस हैं ये जो टेलीफोन लाइंस थी ये लाइंस टेम्परेरी कनेक्शन क्रिएट करती थी सेंडर और रिसीवर के दरमियान और ये जो कनेक्शन होता था ये एक या एक से ज़्यादा एनालॉग टेलीफोन लाइंस के दरमियान हो सकता था और ये बात ये याद रहे कि ये एक टेम्प्रेरी कनेक्शन होता था और इस कनेक्शन के अंदर जो डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते थे वो हाफ डुप्लेक्स मोड में कर सकते थे मींस के हाफ डुप्लेक्स मोड का ये मतलब है कि अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हम रिसीव नहीं कर सकते अगर रिसीव कर रहे हैं तो हम सेंड नहीं कर सकते मींस के हम डाटा सेंड एंड रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन सेम टाइम पर नहीं कर सकते एक वक्त में हम या तो डाटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड का ये मतलब है तो ये जो डायला पाइंस थी ये काफ़ी ज़्यादा इनकी कीमत कम थी एज़ कम्पेयर टू अगर बात की जाए डेडिकेटेड लाइंस के तो मैक्सिमम स्पीड जो है जो लाइंस में हमें मिलती है वो है फिफ्टी सिक्स के बी पी एस यहाँ पर बात गौर से सुनिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फिफ्टी सिक्स किलो बीट्स पर सेकेंड ये स्मॉल बी जो है ना ये बीट को रिप्रेजेंट करता है जो कि आमतौर पर कैपिटल बी अगर हो तो वो बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो ये हो गया जी डायला प्लाइंस के बारे में डायला पाइंस एनालॉग टेलीफोन लाइन के थ्रू एक टेम्प्रेरी कनेक्शन क्रिएट करती हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान वो डाटा जो ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है कंप्यूटर में डिजिटल डाटा होता है तो उसको पहले किस में बदला जाता है एनालॉग सिग्नल्स में फिर वायर्स के जरिए डाटा ट्रांसफर होते हैं एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में फिर रिसीवर साइड पर एक मॉडम लगा होता है वो भी क्या करता है आगे से उसको अगेन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है फिर कंप्यूटर को आगे से uh, समझ आती है मींस के डाटा जो है इसकी कन्वर्जन होती है पहले डिजिटल सिग्नल uh, से एनालॉग सिग्नल में फिर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में तो डेडिकेटेड लाइंस में क्या होता है डेडिकेटेड लाइन सबसे पहली बात कि ये परमानेंट कनेक्शन होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान तो जबकि जो डायलॉप लाइंस है ये टेम्प्रेरी कनेक्शन क्रिएट करती हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान जबकि डेडिकेटेड लाइन परमानेंट कनेक्शन क्रिएट करती हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन में भी एनालॉग और डिजिटल इसमें जो कनेक्शन होता था वो एनालॉग होता था जबकि इसमें जो कनेक्शन होता है वो एनालॉग भी हो सकता है डिजिटल कनेक्शन भी हो सकता है तो इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है अब फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है यहां पर मैंने आपको समझाया था कि हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है अब फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है फुल डुप्लेक्स मोड में हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं और सेम टाइम पर मींस कि अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं हम डाटा रिसीव भी कर सकते हैं अगर हम डाटा रिसीव कर रहे हैं तो हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं उसी टाइम तो इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड नॉर्मल स्पीड जो होती है डेडिकेटेड लाइंस की वो आम तौर पर 128 किलोबिट्स पर सेकंड से ज़्यादा तो, ज़्यादा ही होती है अगर बात करें डेडिकेटेड लाइंस की तो मल्टीपल डेडिकेटेड लाइंस हैं जिसमें आई फिर उसके बाद डी एस आया डी ए डी एस एल डी एस एल का एडवांस वर्जन है और आई एस डी एन जो है स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क डी एस एल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ए डी एस एल हम इनको डिटेल में देखेंगे आगे तो सी ए टी वी लाइन्स आई टी कैरियर इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं टी तो वन लाइन और टी थ्री लाइन तो अब वन बाई वन इनको डिस्कस कर लेते हैं आई एस डी एन डी एस एल और ए डी एस एल को सबसे पहले आई एस डी एन को डिस्कस करते हैं आई एस डी एन लाइन स्टैंड फॉर आई एस डी एन स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क तो ये एक एक ऐसी लाइंस थी जो शुरू में आई थी डायलॉग में तो ऐसा होता था ना कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता था फिर लाइंस के जरिए डाटा ट्रांसफ़र होता था जबकि आई में डिजिटल सिग्नल्स डायरेक्टली लाइन के जरिए डिजिटल फॉर्म में ही डाटा ट्रांसफ़र करते थे मीन्स के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी पड़ती आई में डिजिटल सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स की ही फॉर्म में लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती थी रिसीवर के पास तो आई एस डी एन यूज फॉर द डिजिटल लाइन जो टेलीफोन लाइन है उस पर हम डिजिटल डाटा की ट्रांसमिशन कर सकते हैं आई एस डी एन में जबकि डायलॉग में क्या होता था उसमें हमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता था ताकि डाटा को आगे से लाइन पर ट्रांसमिट किया जा सके अब में क्या था डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है मल्टीप्लेक्सिंग की एक टेक्निक है मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है एक टेक्निक है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही वायर पर हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो इस टेक्निक के जरिए तीन या तीन से ज्यादा या टू या आ, दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को एट आ टाइम हम टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट कर सकते हैं तो ये मल्टीप्लेक्सिंग की जो टेक्निक है ये आई में यूज की की जाती है आई एस डी एन इज फास्टर दैन डायलाप लाइन डायलॉप लाइन की ये फास्टर है डायलॉप की जो स्पीड होती थी मैक्सिमम कितनी 56 सिक्स किलोमीट पर सेकेंड तो इट्स डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज अप टू पर जाहिर सी बात है इसकी फिफ्टी सिक्स किलोबिट्स पर सेकेंड स्पीड है डाइलप लाइन की जबकि जो आई एस डी एन है इसकी एक सौ अट्ठाईस पर सेकेंड से भी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है यहाँ पर आई एस डी एन लाइन बोथ एंड कनेक्शन रिक्वायर आई एस डी एन तो जाहिर सी बात है अगर एक आई एस डी एन लाइन लगी हुई है तो उसके दोनों साइडों पर सेंडर और रिसीवर दोनों साइडों पर आई एस डी एन रिक्वायर होंगे अब हम बात करते हैं डी एस एल लाइन के बारे में डी एस एल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और ये भी डाटा को डिजिटली ट्रांसमिट करती है मीन्स के अगर डिजिटल डाटा है उसको डिजिटल सिग्नल्स ही में ही आगे ट्रांसमिट कर देती है मीन्स के उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मीन्स के इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा डी एस एल लाइन को इस्तेमाल करते हुए हम टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस को एट अ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं इन डी एस एल लाइन बोथ एंड्स कनेक्शन रिक्वायर्स डी एस एल एंड नेटवर्क कॉर्ड्स। तो डी एस एल लाइन में बोथ एंड पर मतलब कि सेंडर एंड रिसीवर एंड पर बोथ साइड पर हमें डी एस एल की ज़रूरत पड़ती है और नेटवर्क कॉर्ड्स की भी डी एस एल लाइन स्पीड इज फास्टर दैन द आई एस डी एन लाइन जिस तरह आई एस डी एन लाइन डायलॉप लाइन की नस्बत ज़्यादा स्पीड देती है इसी तरह डी एस एल लाइन जो है वो आई एस डी एन लाइन की नस्बत ज़्यादा स्पीड देती है स्पीड ऑफ डी एस एल इज़ वन हंड्रेड ट्वेंटी एट किलो बीट्स पर सेकेंड टू एट एम बी पी एस मीन्स के एट मेगा बीट्स पर सेकेंड तक इसकी स्पीड मिलती है अगर बात करें ए डी एस एल की ए डी एस एल स्टैंड फॉर द इस मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मीन्स के ये जो ए डी एस एल है ये डी एस एल का एडवांस वर्जन है समझ लें इट इज़ फास्टर दैन एंड ईजी इंस्टॉल दैन द डी एस एल डी एस एल की नस्बत ए डी एस एल को इंस्टॉल करना और यूज़ करना कदरे बेहतर है क्योंकि इसकी डी एस एल की नस्बत ए डी एस एल की स्पीड भी फास्ट है स्पीड बिटवीन वन हंड्रेड ट्वेंटी एट के किलोमीटर्स पर सेकेंड टू टेन एम बी पी एस मीन्स के टेन मेगाबीट्स पर सेकेंड तक इसकी स्पीड मिलती है जबकि बात करें सी ए टी वी लाइन की तो ये आमतौर पर आई थिंक टी वी केबल नेटवर्कस में यूज़ होती है और जबकि टी कैरियर जो लाइन्स होती हैं उनमें टी वन जो है वो आमतौर पर आई uh, थिंक जो इंटरनेट बैकबोन्स है वहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसकी स्पीड वन पॉइंट फाइव एम बी पी एस तक ऑलमोस्ट इतनी स्पीड मिलती है आप चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके जबकि टी थ्री की जो स्पीड है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है अगर बात करें टी थ्री लाइन की तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 44.7 फोर पॉइंट सेवन एम बी पी एस तक तक़रीबन स्पीड मिल जाती है रही बात इनकी स्पीड्स की तो आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं कि टी वन और टी थ्री की स्पीड कितनी होती है जी इन लाइन्स पर आई होप कि आपको टेलीफोन लाइन के बारे में क्लियर होगा कौन कौन सी हमने पढ़ी ए डी एस एल डी एस एल उसके अलावा हमने आई एस डी एन के बारे में डिस्कस किया अगर आपको इन टेलीफ़ोन लाइन्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़